सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नालंदा जिले के गिरियक थाना क्षेत्र अंतर्गत गिरियक के चर्चित ट्रांसपोर्टर रहे गोप ट्रांसपोर्ट के मालिक मिश्री गोप के हत्या के मामले में आज बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय के द्वारा दो आरोपित को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दरअसल हम आपको बताते चले कि नालंदा जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर रमेश चंद्र द्विवेदी ने गिरियक थाना क्षेत्र के चर्चित ट्रांसपोर्टर रहे गोप ट्रांसपोर्ट के मालिक मिश्री गोप के हत्या मामले में दो आरोपित को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर ढाई ढाई लाख रुपए जुर्माना भी किया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही जिला जज डॉक्टर रमेश चंद्र द्विवेदी ने आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि में 4 लाख रुपए पीड़ित के परिजनों को मिलेगी। सोमवार को आरोपित गिरियक प्रखंड प्रमुख रामशरण यादव उर्फ शरण गोप एवं इंद्रदेव यादव को दोषी पाए जाने के बाद यह सजा सुनाई गई, जबकि इस मामले में अन्य 5 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में 25 सितंबर को ही रिहा कर दिया गया था। अभियोजन की ओर से जहां 9 लोगों ने गवाही दी थी, वहीं आरोपित ने भी अपने बचाव में 3 लोगों की गवाही कराई थी। मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक कैसर इमाम वरीय अधिवक्ता बीरेन कुमार ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा था। सभी आरोपित गिरियक के रहने वाले हैं, वहीं मृतक मिश्री गोप भी गिरियक के निवासी थे। पीपी मोहम्मद कैसर इमाम ने बताया कि पिछले 1 अक्टूबर 2019 को सुबह 7 बजे की यह घटना है, जब आरोपियों ने मिश्री गोप को लाठी डंडों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया था और आज न्यायालय ने इस मामले के 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आपको बताते चले कि आरोपित रामशरण यादव उर्फ शरण गोप एवं इंद्रदेव यादव दोनों सहोदर भाई हैं और इन दोनों ने ही मिलकर मिश्री गोप की हत्या की थी और इन दोनों को न्यायालय ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियोस।